जय माता जी। आज हम आपको दिखा रहे हैं गर्मी स्पेशल, बहुत ही शानदार दलिया और एक शानदार रेसिपी जो गर्मी के लिए बहुत ही हेल्दी ताकतवर भी है और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी भी और लू से बचाव के लिए कार्य भी करेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हमने ये लिया है बाजरी, दरदरा कुटी हुई बाजरी, ए पी सी भी बाजरी है। साथ में लिया हमने गेहूँ जिसको दलिया भी बोलते हैं, ये है लाल गेहूँ, लाल गेहूँ का दलिया है। ये है मक्की, मक्की का दलिया जो बनाते हैं, ये मक्की है, वो है दरदरी कुटी हुई पीसी हुई। ये है जौ, जवार जौ दरदरी पीसी हुई। ये है मूंग, हरिया बोलते जो मूंग। इन सब को हमने बराबर मात्रा में इस प्रकार मिक्स कर लिया है, देख सकते हैं आप। इस प्रकार हमने एक एक चम्मच, जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार आप ले सकते हैं, आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं, ये हमने इस प्रकार मिक्स कर दिया। इसकी बनाई है हमने इसके बाद में खिचड़ी। खिचड़ी बनाना आप सभी को अमूमन लोगों को पता ही है, वो खिचड़ी बनती है इस प्रकार। अगर आप इसमें लहसुन थोड़ा सा तेल लेके लहसुन का छौंक लगा भी बना सकते हैं या सीधा ही गर्म पानी करके इसको पका सकते हैं। इन सब को मिक्स करके पकाने के बाद में हमें इस प्रकार की खिचड़ी मिलती है। इस खिचड़ी से अब हम क्या बनाने वाले वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले छाछ की ज़रूरत पड़ती है। अब हम शहरी क्षेत्र के लोग हैं तो हमें अमूल की बनी बनाई पैकिंग छाछ मिलती है। आपके पास जैसी भी ग्रामीण परिवेश में घर में बनाई हुई छाछ उपलब्ध हो आप उसको ले सकते हैं। साथ में मैंने लिया है पुदीना, ये बारीक हाथ से इसको क्रश कर लिया है पुदीने को, और हमने लिया है साथ में काला नमक। अब इसको हम क्या करेंगे, एक कटोरी में थोड़ी सी खिचड़ी लेंगे और एक बहुत अच्छी फ्लेवर भी बताना चाह रहा हूँ जो आप अपने गेस्ट को खिला सकते हैं। खिचड़ी लेने के बाद इसमें हम मिक्स करेंगे छाछ। धीरे धीरे छाछ को मिक्स करना है क्योंकि छोटी कटोरी है तो हो सकता है एक बार में नहीं हो। मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ग्राइंडर में डाल के मिक्स कर सकते हैं इसको अच्छे से। ये कुछ इस प्रकार मिक्स हो गई है। अब इसकी जो थिकनेस है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें और छाछ डाल के और पतला कर सकते हैं या गाढ़ा भी रख सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं पुदीना और साथ ही साथ काला नमक अपने स्वादानुसार। इसको हम फिर मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आए हैं और उन्हें गर्मी के लिए कुछ स्पेशल पिलाने की इच्छा है तो आप इसको और पतला करके बस इस प्रकार ये मिक्स हो गया। अब हम इसको एक ग्लास लेंगे और ग्लास में इसको डाल देंगे। एक चीज़ मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, ये तो हमारे पास नमकीन, ये तो नमकीन देसी सेक तैयार हुआ है, फुली हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी और गर्मी में बहुत ही अच्छा। ये नमकीन पुदीना और छाछ और दलिया मिक्स करके बनाया है और ये हमने, ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट कहें तो ही कोई बड़ी बात नहीं है, पर पहली बार हमने ही बनाया ये। ये है सेम प्रक्रिया को अपनाया गया है, छाछ इसके अंदर भी ऐड की गई और इसमें हमने रूह अफ़ज़ा को मिक्स कर दिया है और शक्कर ऐड कर दी है जिससे एक नया फ्लेवर बनकर निकला है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, गर्मी स्पेशल बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।